जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको एक ऐसी सूर्य पूजा की साधना का विधान बताने जा रहा हूं जिस उपाय को करने से, इन 5 उपायों को करने से आपके जीवन में, आपके कार्यों में आ रहे विघ्न और बाधा वो तत्काल दूर हो जाएंगे। जो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं वह बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको अपने जीवन में, अपने कार्य में सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो रोज आपको ये सूर्य उपासना के 5 आसान से काम करने चाहिए जो आपको दिला सकते हैं मनचाहे कार्यों में सफलता, ज्यादा आमदनी, पहले से आपकी आय में भी वृद्धि होगी और सामाजिक पद प्रतिष्ठा में भी आपको वृद्धि प्राप्त होगी। हमारे धर्म शास्त्रों में जीवन में कर्म और धन को यश प्रतिष्ठा पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण और अहम माना गया है। कर्म की मजबूत इच्छा शक्ति या संकल्प से ही तमाम वैभव स्वतः ही खिंचे चले आते हैं। वैसे भी लक्ष्मी ठहराव नहीं, गति को पसंद करती हैं। सरल शब्दों में अगर इस बात को समझें तो काम ही कमाई का जरिया बनकर के जीवन के हर मकसद को, हर कार्य को पूरा करने में मददगार सिद्ध हो सकता है। हिंदू धर्म मान्यताओं में हर रोज साक्षात देवता सूर्य अपनी गति और अपनी रोशनी से, कर्म से वैभव और ऊंचाई पाने की ऐसी ही प्रेरणा हम सभी मनुष्यों को देते आ रहे हैं। धार्मिक आस्था है कि सूर्य उपासना स्वास्थ्य, यश, ख्याति, समृद्धि प्राप्त कराती है और इसीलिए आज आपको हम बताने जा रहे हैं सूर्य उपासना के 5 आसान से उपाय। इन उपायों को करने से आपका मनचाहा कार्य, आपके किसी भी काम में आपको सफलता मिलेगी, आपकी आमदनी में पहले से वृद्धि होगी, आपके सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस प्रकार की किसी भी कामना को अगर आप रखते हैं तो अगर आप इन उपायों को करेंगे, सूर्यदेव को प्रसन्न करेंगे तो आप अपनी कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। आपकी मनोकामना को पूरे करने में ये उपाय बेहद ही प्रभावशाली माने जाते हैं। ये उपाय जन्म कुंडली में सूर्य दोष से मिलने वाले रोग, जीवन में मिलने वाली असफलता और अपयश से भी मनुष्य को बचाते हैं। अक्सर आपने मुझे कहते हुए सुना होगा कि सूर्य जो है संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा है, उसी प्रकार से मनुष्य की आत्मा भी सूर्यदेव को ही हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। परिवार में सूर्यदेव पिता का कारक होते हैं, समाज में पद प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान का कारक सूर्यदेव होते हैं और अगर कुंडली में सूर्यदेव खराब हो गए, कहीं ना कहीं से सूर्य में कोई दोष बनता है तो ऐसे में होता यह कि व्यक्ति पूरी मेहनत करने के बावजूद भी मन से संतुष्ट नहीं हो पाता, आत्मा से सुखी और प्रसन्न नहीं हो पाता क्योंकि सूर्यदेव आत्मा के कारक है। ऐसे में उस व्यक्ति को पिता का पूरा सहयोग नहीं मिलता, पिता का जो सुख मिलना चाहिए वो बचपन काल से, बाल्यकाल से ही नहीं मिल पाता और बड़े होकर के पिता से नाना प्रकार के अवरोध शुरू हो जाते हैं और इन्हीं कारणों से सामाजिक अपयश का सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसी भी कोई समस्या आपकी कुंडली में है तो भी ये उपाय आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं ये 5 सरल उपाय। आपको करना ये चाहिए कि हर रोज स्नान के बाद सुबह आपको यथासंभव सूर्योदय के समय में सूर्यदेव को तांबे के कलश से लाल चंदन और कुछ बूंदे गुलाब जल की मिला करके उसमें कुछ अक्षत डाल करके सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए और अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भी अर्घ दे सकते हैं। अभी मुझे किसी ने बताया कि वो सिर्फ एक बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ दे देते हैं,
ऐसे नहीं होता। सूर्यदेव को अर्घ देने का भी एक अपना विधान है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में कि सूर्यदेव की सात रश्मियां हैं या उनके जो सात घोड़े हैं वो रश्मियों के प्रतीक हैं, सूर्य के सात घोड़े कहे जाते हैं, तो ये जो सात घोड़े हैं वह सात प्रकार की रश्मियां हैं जिन्हें अंग्रेजी में विब्योर हम कहते हैं। तो सूर्यदेव को जल भी सात चरणों में देना चाहिए। आप कोई भी अगर आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो एक बार गायत्री मंत्र का जाप करें, थोड़ा सा अर्घ दें, फिर दोबारा जाप करें, फिर थोड़ा सा अर्घ दें। इस प्रकार से आपको सात चरण में सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य प्रतिमा को लाल चंदन लगा करके सूर्य मंत्र का स्मरण करते हुए आदित्य हृदय स्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपको जो मैं सूर्य मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। इस सूर्य मंत्र से आपको सूर्य देव का जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। नमः सूर्याय नित्याय रवकर्णाय भानवे भास्कराय मातंगाय मार्तंडाय विवस्वते। इस मंत्र को आप उच्चारण करके सूर्य देव को अगर आप पूजन करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। लाल चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करना भी बहुत अच्छा उपाय माना गया है। कुंडली में खराब सूर्य को ये मजबूत करता है और अगर खराब सूर्य के कारण आपको अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो लाल चंदन का तिलक धारण करने के बाद से ही आप अपने जीवन में परिवर्तन और उसका प्रभाव, शुभ प्रभाव अनुभव कर सकते हैं। तांबे का, ठोस तांबे का एक कड़ा अगर आप अपने दाहिने हाथ में पहनेंगे, धारण करेंगे, तो भी आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति अशुभ होगी तो उसमें शुभता आने लगेगी। अशुभ सूर्य में यह बहुत अच्छा लाभ देता है। गाय को पानी में थोड़े से गेहूं भिगो करके जब वह गेहूं अंकुरित हो जाए तो अपनी अंजुरी में अपने हाथों में लेकर के आपको खिलाना चाहिए। खासतौर पर यह उपाय आपको रविवार को करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ज्यादा खराब है तो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से आरंभ करके 45 दिन तक आपको ये नियमित उपाय करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं अपने जीवन में। यदि आप प्रयोग में लाएं तो जीवन में जितनी भी असफलता का दौर अभी तक आपने अनुभव किया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन उपायों को अगर आप 45 दिन कर लेते हैं तो 45 दिन के बाद आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि चमत्कार होने लगा है, बदलाव आने लगा है। ज्योतिष भी बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिस तरीके से चिकित्सा विज्ञान है उस तरीके से ज्योतिष है। आपने आज कोई उपाय किया तो अगले दिन किसी चमत्कार की उम्मीद मत करिएगा, ऐसा भी अंधविश्वास नहीं है। अगर आप किसी चीज को नियमित करते हैं, कम से कम 45 दिन करते हैं, तब उसकी शुभ ऊर्जा आपके चारों तरफ अपना ऑरा बना पाती है, आपको लाभ दे पाती है, तब कहा जा सकता है कि आपको फायदा निश्चित मिलेगा। जादुई आपने महा उपाय आज सुना और अपनी राशियों का हाल भी जाना। और एक दर्शक हमारे साथ परमिंदर जुड़ गए हैं दिल्ली से। परमिंदर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जय श्री राम जी। नमस्कार, बताइए। सर मेरे डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1965 जी, और समय है 9:26 अमृतसर पंजाब का जी। ये समय जो है वो दिन का है या रात का? हाँ, सुबह कह सर पंडित जी, 9:26 सुबह का जी, अमृतसर पंजाब का जी। और ना मेरा जो जो सवाल है वो ये है, मेरा कार्यस्थल पर ना काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से काफी लोगों का पैसा ऐसा भी देना बन रहा है जो मैं इंतजाम नहीं कर पा रहा जी। बिल्कुल, देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आपकी इस समय स्थिति क्या हो रही होगी। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति वाकई में बहुत ज्यादा विपरीत है आपके लिए, और इस विपरीत परिस्थिति में समय काटना निश्चित ही बहुत असंभव सी स्थिति बन जाती है। आपकी कुंडली में सूर्य बुध केतु एक साथ बैठे हैं दूसरी तरफ, और ये सारा संयोग जो बन रहा है, ये सारी उपद्रव की स्थिति जो है वह 11वें भाव में यानी आय के स्थान में, जिसे इनकम हाउस कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें बन रही है। दूसरी तरफ राहु और चंद्रमा का संयोग जो है ये पंचम भाव में बन गया। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो जीवन में बहुत विपरीत स्थिति है। शनि की महादशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में लग्न भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की पूजा करना और उसके साथ साथ भगवान शिव की पूजा करना आपको राहत दिला सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा बहुत ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे आपको मुक्ति मिल सके। दूसरा आप ये काम कर सकते हैं कि सूर्य बुध राहु केतु चंद्रमा इनका अगर आप जाप करा लें किसी योग्य आचार्य से तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा लाभ आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे। परमिंदर जी के लिए जो भी जहाँ बताई गई बातें वो अगर करते हैं तो उसका लाभ उन्हें ज़रूर मिलेगा। आपने माँ का महा उपाय भी जाना, अपनी राशियों का हाल भी जाना, और तमाम बातों को बताने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।